कैलकुलेट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं सिक्सटी रेशो फोर्टी एट प्रोपोर्शन थर्टी रेशो हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है वो अननोन है तो इसको हम एक्स सपोज करते हैं तो so, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड फोर्टी एट इज इक्वल टू थर्टी इज डिवाइडेड बाय एक्स अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो हम इसको लिख सकते हैं अब पे एक्स में है जब की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट इज डिवाइडेड बाई सी इज मल्टीप्लाइड बाय थर्टी इसको सिंप्लीफाई करते हैं थर्टी वाज आर थर्टी थर्टी टूर टू एंड टू इन टू ट्वेंटी फोर तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो है ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स इसको हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड है मीन्स ये जो तो दरम्यान वाली दो वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं इसको हम लिख सकते हैं सिक्सटी इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट इज मल्टीप्लाइड बाई थर्टी अब देखिए सिक्सटी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा हम उसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट इज मल्टीप्लाइड बाय थर्टी इज डिवाइडेड बाय सी इसको सिंप्लीफाई करते हैं थर्टी वाजर्टी एंड थर्टी टू आर सिक्सटी टू वाज टू एंड टू ट्वेंटी फोर आर फोर्टी एट तो डियर स्टूडेंट्स जो अननोन फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू है एफ पी एस सी एस एफ इंस्पेक्टर बैच वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन थ्री एवरेज ऑफ एम नंबर की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एम नंबर की एवरेज एन स्केर है और एन नंबर की एवरेज एम स्क्र है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एम प्लस एन की कंबाइंड एवरेज कैल्कुलेट करने का कहा गया है फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक एवरेज ऑफ एम नंबर्स ये हमें मालूम है यह एम स्क्वेयर और एवरेज ऑफ एन नंबर्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें मालूम है जो कि है एम स्क्वेयर स्टूडेंट्स हमें कंबाइन अर्थमैटिक मीन कैलकुलेट करने का कहा गया है तो दो वेरिएबल्स के लिए जो कंबाइंड अर्थमैटिक मीन का फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं एक्स बार सी इज इक्वल टू एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू इज डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू अब देखिए एम नंबर्स की एवरेज एन स्क्वायर है तो यहां पे एन वन होगा एम इज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एक्स बार वन यहां पे एम नंबर्स की एवरेज होगी जो कि है एन स्क्वायर प्लस एन टू यहाँ पे होगा एन एन नंबर्स की एवरेज है एम स्क्वायर तो एक्स बार टू यहां पे एम स्क्वायर होगा इज डिवाइडेड बाय एन प्लस एम एन वन और एन टू की वैल्यूज की जगह अब यहां पे देखिए एम इंटू हम कॉमन लेते हैं यहां पे हमें हासिल होगा एन प्लस एम इज डिवाइडेड बाय एन प्लस एम तो ये कैंसर आउट हो गए तो हमें जो कंबाइन एवरेज हासिल होगी वो होगी एम इज मल्टीप्लाइड बाय एन या फिर एन इज बाय m एम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अली इज यंगर देन जिया बाय टेन ईयर्स स्टेटमेंट ratio ratio में बताया गया है कि अली जिया से दस साल छोटा है अगर पांच साल पहले उन दोनों की एजिस की रेशियो वन रेशो टू हो तो बताइए जिया की मौजूदा एज क्या है सॉल्व करते हैं पांच साल पहले फाइव ईयरसो अली और जिया की एजिस की रेशो थी वन रेशो टू तो हम सपोज करते हैं कि जो अली है अली की एज है वन एक्स या फिर एक्स और जिया की जो एज है वो है टू एक्स अब प्रेजेंट इनकी एजेस क्या होंगी अली की जो मौजूदा एज होगी वो होगी x प्लस फाइव इसी तरह जिया की जो मौजूदा एज होगी वो होगी टू एक्स प्लस फाइव लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जिया की जो एज है वो अली की एज से दस साल ज्यादा है यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं जिया की एज है टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू अली की एज है एक्स प्लस फाइव प्लस टेन इसको सिप्लीफाइव करते हैं हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव प्लस टेन तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू हासिल होगी टेन अब डिस्ट्रेंड जिया की जो प्रेजेंट एज हुआ है वो हमने सपोज की है टू एक्स प्लस फाइव तो यहां पर हम एक्सी वैल्यू पुट करते हैं टू इंटू टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन इंटू टू ट्वेंटी प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो जिया की प्रेजेंट एज है ट्वेंटी फाइव लेकिन अगर पांच साल पहले जिया की एज को कंसिडर करें तो जिया की एज होगी ट्वेंटी ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 81 वन इज डियर स्टूडेंट्स हमने सिंपली 64 एंड 81 का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे ज्योमेट्रिक मीन हमें हासिल होगा जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी पावर में हम लेंगे वन इज डिडेड बाय टू डियर स्टूडेंट्स जितने भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी पावर में वन इज डिवाइडेड बाय उन नंबर्स की तादाद लिखते हैं जैसे कि यहां पे तीन नंबर होते हैं तो हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनकी पावर लेते हैं वन इज डिवाइडेड बाय थ्री अब डीएर स्टेंट हम इसको लिख सकते हैं एट स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन स्क्वायर होल की पावर वन ओवर टू हम इसको लिख सकते हैं एट स्क्वायर की पावर वन ओवर टू इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन स्क्वायर की पावर ओवर तो so, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें हासिल होगा एट की पावर टू इज मल्टीप्लाइड बाय वन ओवर टू इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन की पावर टू इज मल्टीप्लाइड बाय टू हमें हासिल होगा एट इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन सो एट इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन इज इक्वल टू सेवन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एंड बी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है एवरेज ए और बी की क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है सिक्सटीन ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी एट यहां से हम सिक्सटीन कॉमन लेते हैं

अब एवरेज ऑफ ए एंड बी ये होगा सम ऑफ वैल्यूज जो कि बनती है ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि बनेगा टू क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं ये दो हमारे पास नंबर्स हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें मालूम है वो है थ्री इज डिडेड बाय टू ये हमें हासिल होगा वन पॉइंट फाइव

हमें मालूम है कि स्पेंडिंग्स प्लस सेविंग्स ये मिला के उस आदमी की मंथली इनकम बनेगी अब बी एसवेंस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने जो खर्चा किया है उसके बाद उसने बारह इशारिया पांच फीसद बचा भी लिया हम सपोज करते हैं कि उसकी माहाना जो इनकम है वो है हंड्रेड परसेंट अब यहां से हम स्पेंडिंग की परसेंटेज निकाल लेंगे यह हमें हासिल होंगी स्पेंडिंग इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो डियर स्टूडेंट्स उसकी जो स्पेंडिंग्स है उसकी परसेंटेज हमें हासिल होगी एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो हैं थर्टी फाइव हंड्रेड और ये स्पेंडिंग्स हैं एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ मंथली इनकम जो कि हंड्रेड परसेंट बनती है दूसरे अल्फाज में हमने यहां से हंड्रेड परसेंट कैलकुलेट करना है तो एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट की वैल्यू अगर थर्टी फाइव हंड्रेड हो तो यहाँ से हम हंड्रेड परसेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट की हमें वैल्यू हासिल होगी थर्टी फाइव हंड्रेड इज डिवाइडेड बाय एटी सेवन पॉइंट फाइव इज मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हमें हासिल होगा थर्टी फाइव हंड्रेड इज डिवाइडेड बाय एट सेवेंटी फाइव इज डिवाइडेड बाय टेन इज मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो डियर तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं थर्टी फाइव हंड्रेड

फोर थाउजेंड और हंड्रेड परसेंट हमने सपोज किया था मंथली इनकम तो मंथली इनकम होगी उस आदमी की चार हजार रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड सिल्वर इन द रेशो थ्री रेशियो सेवन देन परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इन द एलॉय इज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक एलॉय है कापर और सिल्वर का और इसमें कापर और सिल्वर की मिकदार थ्री रेशो सेवन के हिसाब से है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सिल्वर की मकदार अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कापर और सिल्वर की जो रेशो है एलॉय में वो है थ्री रेशो सेवन हम सपोज करते हैं कॉपर की जो क्वांटिटी है वो है थ्री एक्स और इसी तरह सिल्वर की जो क्वांटिटी है वो है सेवन एक्स सो टोटल अलॉय होगा एक्स प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू टेन तो सिल्वर सॉरी टेन एक्स तो सिल्वर की परसेंटेज होगी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा टेन वाज आर टेन एंड टेन टेन आर हंड्रेड सो सिल्वर की परसेंटेज होगी टेन इंटू सेवन आर सेवेंटी परसेंट बिस्मिल्ल रन रही असल डियर स्टूडेंट्स अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुश कहा जाता है एफपीएससी एएसएफ इंस्पेक्टर बैच वन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अ मिक्सचर कंटेन्स ट्वेल्व परसेंट कॉपर हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू गेट सिक्सटी नाइन किलोग्राम ऑफ कॉपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मिक्सचर में बारह कॉपर है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि एक मिक्सचर कितने किलोग्राम हो कि उसमें 69 किलोग्राम कॉपर हो एक बात याद रखिएगा अगर मिक्सचर में बारह परसेंट तो उसका बारह परसेंट सिक्सटी नाइन किलोग्राम होगा तो स्टूडेंट्स सिंपली हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीशेप करते हैं हम इसको लिखते हैं ट्वेल्व परसेंट ऑफ वट Is 69. अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमें मिक्सचर के किलोग्राम पता चल जाएंगे कि मिक्सचर की क्वांटिटी है क्या तो डी स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं अब डी स्टूडेंट्स हमें वाट नहीं मालूम हम इसको एक्स सपोज करेंगे क्योंकि अन क्वांटिटी है तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज डिडेड बाई हंड्रेड इज इक्वल टू नाइन अब देखिए हंड्रेड डिवीजन में है जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और इसी तरह ट्वेल्व यहां मल्टीप्लाई हो रहा है की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल इज मल्टीपाइड्रेड इज डिड बाई स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं फोर थ्री एंड थ्री इंटू ट्वेंटी तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू हासिल होगी ट्वेंटी थ्री इज मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो जब ट्वेंटी थ्री को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव तो डी स्टूडेंट मिक्सचर की जो क्वांटिटी होगी वो होगी फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव किलोग्राम और इसमें ट्वेल्व परसेंट कापर है

तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बार इज मल्टीप्लाइड बाय एन इसको हम देते हैं इक्वेशन ए का नाम अब डी स्टूडेंट्स तो ने कहा है कि नंबर पांच है और उनका मीन है अठारह तो उस सूरत में सम ऑफ नंबर्स होंगे अठारह जरा पांच जो कि बनता है नाइनटी। अब जब एक नंबर एक्सक्लूड हो गया तो उस सूरत में जो मीन था वो सिक्सटीन हो गया तो हम समीक्षन एक्स यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हासिल होगा 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि एक नंबर कम हुआ है तो 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 64. अब डियर स्टूडेंट जो नंबर एक्सक्लूड किया गया था वो नंबर हमें हासिल होगा 90 में से 64 फोर करने से तो वो नंबर था ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक स्कूल में छह सौ बच्चे पढ़ते हैं हर बच्चे को या तो इंग्लिश या हिंदी या फिर दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं अगर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सेवेंटी फाइव परसेंट इंग्लिश पढ़ते हों और फोर्टी फाइव परसेंट हिंदी तो बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैं सेवेंटी स्टूडेंट तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल होगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद है सिक्स हंड्रेड तो यहां से हम से

टू हंड्रेड एंड सेवेंटी अब डिओेंट्स एक बात याद रखिएगा मैथमेटिकली ए यूनियन बी इक्वल होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी अब दूसरे अल्फाज में हम इसको लिख सकते हैं इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी ये जो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये बोथ सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं अब देखिए ई यूनियन एच ये हमें मालूम है ये हैं 600 सौ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं 450 प्लस हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं 270 माइनस बोथ सब्जेक्ट वाले हमें नहीं मालूम अब हम क्या करते हैं बोथ सब्जेक्ट नेगेटिव है क्वेश्चन की साइड पर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और सिक्स सब्जेक्ट पॉजिटिव है जब क्वेश्चन की एक साइड पर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमें हासिल होगा बोथ सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे इज इक्वल टू फोर फिफ्टी प्लस टू सेवेंटी माइनस सिक्स हंड्रेड तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मीन ऑफ फाउंड टू बी थर्टी बताया गया है कि 100 आइटम्स का मीन 30 है अगर कैलकुलेशन करते हुए दो आइटम्स गलती से थर्टी टू और 12 दर्ज हो जाएं, जबकि रियल में वो आइटम्स थे 23 एंड तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए कुरेक्टेड मीन कैसे कैलकुलेट होगा

सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज या दूसरे अफाज में हम सिंपली करेंगे स्मिशन एक्स जो भी है हमारे पास उसको लिखेंगे थ्री थाउजेंड माइनस जो भी गलत वैल्यू आई है वो हम सारी की सारी सेपरेट कर देंगे माइनस थर्टी टू माइनस ट्वेल्व और ऐड कर देंगे जो कि सही वैल्यूज थी यानी कि ट्वेंटी थ्री प्लस अलेवन अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वह होगी 2990 अब ये है करेक्टेड मिशन एक्स तो करेक्टेड एवरेज होगी इसको मैं एक्स बार करेक्टेड लिखता हूं करेक्टेड मिशन एक्स इज डिवाइडेड बाय एन अब हमने करेक्टेड सम कैलकुलेट किया है वो है 2990 इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें जो करेक्टेड एवरेज हासिल होगी वो होगी ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली ट्वेंटी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट मोर देन थर्ड नंबर टू नंबर्स आर इन द रेशो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से बिल तरतीब और फिफ्टी ज्यादा हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन दो नंबर्स यानी कि पहले और दूसरे नंबर्स की रेशियो कैलकुलेट करने का कहा गया है डियर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हम सपोज करते हैं कि जो थर्ड नंबर है है वो हंड्रेड अब फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है इसका मतलब ये है कि अगर पहला नंबर हंड्रेड है तो दूसरा इससे बीस परसेंट यानी कि ट्वेंटी ही ज्यादा होगा ये हो जाएगा वन ट्वेंटी इसी तरह सेकेंड नंबर थर्ड नंबर से पचास परसेंट ज्यादा है अगर थर्ड नंबर हंड्रेड है तो ये हंड्रेड प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू वन फिफ्टी होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि पहले और दूसरे नंबर की रेशो कैलकुलेट करें तो फर्स्ट नंबर रेशो सेकेंड नंबर ये हो जाएगा वन ट्वेंटी रेशो वन फिफ्टी तो टेन पे डिवाइड करते हैं दोनों साइडों पे तो ये हो जाएगा ट्वेल्व रेशो फिफ्टीन अब थ्री पे डिवाइड करते हैं तो हमें हासिल होगा थ्री 4, 12, ratio 3, 5, 15. तो क्वेश्चन है हमारे पास वाइस केयर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब माइनस सिक्स को जब हम y केयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है माइनस सिक्स वाइस केयर अब ये जो प्लस वाई है इसके हमने दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें प्लस वाई हासिल हो और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल हो माइनस सिक्सर तो डियर स्टूडेंट्स वो दो टुकड़े हैं थ्री वाई और माइनस टू वाई अब जब थ्री वाई में से टू वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको प्लस वाई हासिल होगा और थ्री वाई को जब आप माइनस टू वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हासिल होगा माइनस सिक्स वाई तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्केयर प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्ल टू ज़ीरो अब यहाँ पे वाई कामल लीजिए इन दोनों में से तो हमें हासिल होगा वाई प्लस थ्री और यहाँ पे माइनस टू कामन लीजिए हमें हासिल होगा वाई प्लस थ्री इज इक्व टू ज़ीरो अब यहां पे देखें y प्लस थ्री कॉमन है तो यहां से हम y प्लस थ्री कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस थ्री हमने कॉमन लिया तो हमें हासिल होगा y प्लस थ्री कॉमन ले लिया तो पीछे बचा y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर्स इज थर्टी इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर्स नंबर्स इज इज एंड एवरेज ऑफ लास्ट थ्री देन फोर्थ नंबर इज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि छह नंबर्स की एवरेज है तीस। अगर पहले चार नंबर्स की एवरेज पच्चीस हो और आखिरी तीन नंबर्स की एवरेज पैंतीस हो तो बताइए चौथा नंबर क्या है डियर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हम सपोज करते हैं कि वो नंबर हैं a b c d e और f अब इन नंबर्स की एवरेज होगी सम ऑफ नंबर्स a b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज डिवाइड बाई नंबर जितने मौजूद हैं जो है के बनते हैं सिक्स इज इक्वल टू थर्टी तो नंबर्स हमें हासिल होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू थर्टी इज मल्टीपाइड बाई सिक्स इज इक्वल टू वन एटी अब देखिए पहले चार नंबर्स की एवरेज ट्वेंटी फाइव है तो पहले चार नंबर हैं ए बी सी और डी तो इन चारों का सम होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसको जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के जो कि बनती है फोर तो ये एवरेज बन जाएगी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि ये एवरेज है ट्वेंटी फाइव अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमें हासिल होगा ट्वेंटी फाइव इज मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू हंड्रेड के अब यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मौजूद है और यहां पर है ए प्लस सी प्लस डी जिसकी वैल्यू है हंड्रेड तो इस एक्वेशन में इसको हम ए का नाम देते हैं ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं तो देखिए हमें हासिल होगा हंड्रेड प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू वन एटी और ई प्लस एफ हमें हासिल होगा 180 100 जो कि बनता है एटी के इक्वल अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा है कि लास्ट थ्री नंबर्स की एवरेज है थर्टी फाइव तो लास्ट थ्री नंबर हैं डी ई और एफ और इन तीनों का सम डी प्लस ई प्लस एफ होगा और इसको डिवाइड करने के हम नंबर ऑफ वैल्यूज के जो कि बनता है थ्री इज इक्वल टू ये सम है थर्टी फाइव के इक्वल तो हम इसको लिख सकते हैं डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू थर्टी फाइव इज मल्टीप्लाइड टू हंड्रेड एंड फाइव अब यहां पे देखिए e प्लस एफ हमें मालूम है जो कि बनता है एट्टी और यहां पे भी, भी e प्लस एफ गिवन है तो हम यहां पुट कर देते हैं वैल्यू तो हमें हासिल होगा d प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू है एट्टी इज इक्वल टू हंड्रेड एंड फाइव बेटी यहाँ ऐड हो रहा है क्वेश्चन की दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो डी इज इक्वल टू हंड्रेड एंड फाइव माइनस एटी तो ये बनेगा ट्वेंटी है, है तो था ट्वेंटी फाइव एफ पी एस सी इंस्पेक्टर ए एस एफ बैच वन टी टी फोर के मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी द कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन रिसीवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स बताया गया है कि एक इलेक्शन में तीन कैंडिडेट ने बिल तरतीब एक हजार एक सौ छत्तीस सात हजार छह सौ छत्तीस और ग्यारह 1136 7636 सौ 11628 वोट हासिल किए और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने फीसद है। इस को हम करते हैं डियर फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स को वोट पड़े क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उनका हम सम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल कास्टेड वोट हासिल हो जाएंगे तो टोटल वोट्स हमें हासिल होंगे ट्वेंटी थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड अब जो विनिंग कैंडिडेट है इसने वोट हासिल किए हैं ग्यारह हजार सौ तो विनिंग कैंडिडेट की परसेंटेज ऑफ वोट हमें हासिल होगी जितनी वोट उसने हासिल किए हैं ग्यारह हजार सौ इज डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो डियर स्ट्रेंड्स जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वोट की परसेंटेज हासिल होगी फिफ्टी सेवन परसेंट